सिंह भूपेश बघेल की धर्मपत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ने आर्थिक तंगी से जूझ रही लोक गायिका जयंती यादव का सम्मान किया, बल्कि 1 लाख रुपए की नगद राशि देकर लोक गायिका का सम्मान किया। खास बात यह रही कि राशि मुक्तेश्वरी बघेल ने अपने निजी जमा पैसों को सहयोग राशि के तौर पर दिया है। जयंती ने अपने आप को सम्मान मिलने के बाद कई गीतों को गाया, जिसे मुक्तेश्वरी बघेल ने ध्यान से सुना। इस पल जैसी ही जयंती यादव को पता चला कि जिस अरपा पैरी गीत को उन्होंने पहली बार गाया, उसके रचयिता खुद मुक्तेश्वरी बघेल के पिता ही थे। तब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जयंती ने कहा कि अब लोक कलाकारों के अच्छे दिन और ऊर्जा मिल गई है। मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देते हुए कहा, पिछले कई सालों से वे अपनी पीड़ा का बखान कर रही थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। जो मोला सम्मान करी, हकीकत में कलाकार की पीड़ा ल जानते, तभे तो मोने बुला के सम्मान करी। नहीं स्वार्थी रहती तो छोड़ना हटाना कलाकार का है, उसने गाते और बजाते कही, मगर वो हाथ मोर पीड़ा ला हर ली तो मोला ऐसे लगी, धन है धन है धन है। राम धरि बंसी लखन धर बाण, सीताराम के खोजन बर निकल हम, मंगा करार बोला पुत सास गरी दिखे ननद मुहि के, देवर बाबू मोर कन्या गरी दिखे परोसी गमले के, करार बोला पुत केरा बारी माटी रही हो चले के तेरा हो।